सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। और आलिया सुल्तान की सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें होश आ गया है। आखिर मामू जान ने इजलास में शामिल होने वाले तमाम नाम हासिल कर लिए हैं। वो चाहते हैं कि आप इसे सुल्तान मौजम को भेज दीजिए। ये क्या है पाशा? गद्दारी का सबूत है। सुल्तान मौजम को खबर करनी होगी। सुल्तान मौजम, महमूद पाशा ने कांग्रेस में शरीक लोगों के नाम भेजे हैं। सुहाल, मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। मुझे दिया गया हुक्म पूरा करना है। सुहाल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हम आइन के इतलाक का ऐलान करेंगे पाशा। माजी। ये है आइन के इतलाक का हुक्मनामा। आपको माजूल किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप इस कौम के आने वाले वक्त के लिए हकीकत कलम बंद करना शुरू कर दें। हमें डर है कि आने वाला वक्त हमें तारीख के सफात से मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं होने देंगे। आप हमेशा सुल्तान मौसम की रफाकत में रहें। आमीन। कहा सुना माफ कीजिएगा। माफ किया आप भी। आपने महमूद पाशा का ज्यादा जिक्र नहीं किया, उनके साथ क्या हुआ? महमूद पाशा, जब से मैं उन्हें जानता हूं, वो हमेशा हवा के रुख पर चलने वाले एक इंसान रहे, लेकिन उन्होंने जिंदगी के आखिरी साल रियासत की खिदमत में गुजारे। सुल्तान मौसम चाहते थे कि वो वापस आ जाएं, लेकिन सूरत हाल को समझें पाशा। सुल्तान मौसम से कहिए मैंने रियासत की तरफ से दिया गया आखिरी फर्ज भी पूरा किया। आप भी अच्छी तरह जानते हैं पाशा कि हम हक अदा नहीं कर सकते। मगर मैं इस हाल में कोई और फर्ज अपने सर नहीं ले सकता। लेकिन पाशा। लेकिन कुछ नहीं पाशा, लेकिन की गुंजाइश नहीं। इसरार न करें, मजबूर हूं। ठीक है, जैसा आप चाहें। सबातीन, रुको बेटा।
मेरे बेटे, तुम्हें अपने ख्यालात की राह पर चलना होगा। मुझसे वादा करो, दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दोगे, अपना रास्ता अलग कर लोगे। वादा करो मुझसे। करता हूं, वादा करता हूं पापा, वादा। सनेहा, उसे मेरा सलाम कहना। कहना उसे हमेशा चाहा मैंने। वो जानती है पापा, जानती है, बेफिक्र रहिए। मैंने उसे काफी परेशान किया, मगर मैं उसे बहुत चाहता हूं। बेटा, हम एक खुशहाल खानदान की तरह तो नहीं रह पाए, मगर तुम अपनी अलग राह पर ही चलना। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में कामयाबी की चमक देखी, हमेशा। मेरी खातिर ये वादा पूरा करना। मैं भटक गया था, गलत रास्ता भी चुना मैंने, लेकिन हमेशा रियासत के लिए काम किया। मैं रियासत की तरफ से दिए गए तमाम फराइज पूरे कर चुका। तुम भी हक अदा करो अपनी रियासत का बेटा, इसकी खिदमत करो। हक अदा करो। बाबा, 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 बाबा। महमूद पाशा ने अपने उसूलों के मुताबिक ये सफर तय किया, अपने बनाए हुए रास्ते पर चले। उनकी कहानी खत्म हुई, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। सुल्तान मौज़्ज़म ने काफी कोशिश की कि उनकी मैयत को यहां लाकर दफनाया जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। पाशा, सुल्तान मौज़्ज़म कैसे इंसान थे, उनकी आदात और मशाखिल क्या थे? वो फन को सराहते थे, कभी कभी मौसीकी सुना करते थे, लेकिन ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में सर्व करते। तो क्या उन्होंने शर्लोक होम्स भी पढ़ रखी थी? हाँ, और उसके मुसन्निफ डॉयल को रियासती तमगा भी अदा किया था। सुल्तान मौज़्ज़म डॉयल को पसंद करते थे, लेकिन रियासती तमगे के बारे में नहीं जानता था मैं। फन का ज़ौक रखने वाला मुसन्निफों की कदर भी जानता है। एक बार होम्स और वाटसन को रात एक खेमे में गुजारने का इत्तफाक हुआ कि अचानक एक आवाज आने पर होम्स की आंख खुल गई और फिर वो गौर से आसमान को देखने लगा। उसने वाटसन को आवाज देकर उठाया। होम्स ने डॉक्टर वाटसन से पूछा कि आप क्या देख रहे हैं। वाटसन होम्स के रोज रोज के सवालों से पहले ही तंग आ चुका था। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और फिर हर चीज की तफसील के साथ वजाहत देनी शुरू कर दी। अपने इल्म के मुताबिक सितारों के झुरमट और चांद की शक्ल सूरत बयान करने लगा। होम्स मजीद बर्दाश्त न कर सका और उसने वाटसन को चुप करवा के कहा, कोई हमारा खेमा चुरा के ले गया है वाटसन। बिल्कुल ऐसा ही कहा सुल्तान मौसम, जारी रखिए। फिर वो दोनों वहां से चले गए। लड़कियों, खाना तैयार हो गया क्या? सुल्ताना, एक हादसा हो गया है। हादसा? कैसा हादसा? किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? आप परेशान मत हो सुल्ताना। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने खाने के लिए मतंजन तैयार किया था,
हाँ तो वो जल गया। जल गया? आप लोग एहतियात से काम क्यों नहीं करते? सुल्ताने मौसम के मेहमानों के लिए था वो खाना। कोई बात नहीं इम्साल खादमा, शुक्र है कि कहीं आग नहीं लगी और किसी को चोट नहीं लगी। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। हम शर्मिंदा हैं सुल्ताना, बराए करम माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, खीर तैयार हो गई है क्या? जी तैयार है सुल्ताना, क्या आप चखना चाहेंगे? अरे नहीं नहीं, हमारा तो मीठे की तरफ देखने का भी दिल नहीं जा रहा है आजकल। हम कोफ्ते तैयार करवा ले सुल्ताना। हाँ कोफ्ते सही रहेंगे, और उसके साथ लोबिया का सलाद भी बनवा ले। सुल्ताने मौसम को पैगाम भिजवा देते हैं कि आज मुतंजन तैयार नहीं हो पाएगा। जैसा आप चाहें सुल्ताना। सुल्ताना आपका नमकीन खाने को दिल चाहता है? यकीनन शहजादे आने वाले हैं। जो भी हो अल्लाह सेहत सलामती अता फरमाए। चलिए सुल्ताना। आइए। सुल्ताने मौज़म, आपने मुझे मधु किया। आर्थर कोनान डॉयल, खुशामदीद। शुक्रिया सुल्ताने मौज़म। आप जैसे काबिल मुसन्निफ की मेहमान नवाजी करना हमारे लिए बायस मुसर्रत है। आपकी जुबान से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनना मेरे लिए बहुत शर्फ की बात है। बहुत शुक्रिया। आपके लिए मुनासिब हो तो हम खाने से पहले आपके साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमारे लिए फन सम्राट वक्त गुजारी का दिलकश मवाद नहीं बल्कि जज्बात की जाहिरी तमसील है। इंसान की रूह को तरोताजा करने का सबब है। जासूसी नॉवल इंसान के तखय्युल को परवाज देते हैं। अगर आप अपनी तसानीफ में जज्बात की पहलू शामिल करें तो आपकी तहरीर दिलचस्प हो जाएगी। सच कहूं तो मैंने पहले इस हवाले से नहीं सोचा था। आपकी तहरीरें काफी मकबूल हैं। हम तो उलूम फ़नून के कदरदान होने की हैसियत से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। एक फनकार के लिए इससे बेहतर क्या होगा? हर दिन सीखने का एक नया मौका होता है। सुल्ताने मौज़म यकीन कीजिए, मेरी तहरीर के बारे में आपके तासुरात और इजहार ख्याल बहुत अहमियत रखते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पाशा। अगर आप कबूल करें तो हम आपकी काबिलियत की वजह से आपको रियासती तमगा अता करना चाहते हैं। सुल्ताने मौज़म मेरे लिए शर्फ की बात है। आइए। सुल्ताने मौज़म के बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, बहुत ही गैर मुनसिफाना और ज्यादती की बात है। मैं खुद गवाह हूं उन वाकयात का, और लोग मेरे सामने ही झूठ बोल देते हैं। अब आपकी ये बातें सब तक पहुंचेंगी पाशा। पहुंचनी चाहिए। और पाशा वो फलस्तीन वाला मामला? फलस्तीन वाला मामला, वो जिसके बारे में सुल्ताने मौज़म बहुत हसास थे। सिर्फ फलस्तीन ही नहीं, इस्लामी सरजमीन का हर टुकड़ा उनके लिए आम था। वो कभी समझौता नहीं करते थे। फलस्तीन इसलिए भी आम था क्योंकि पूरी दुनिया की नजर उस पर थी। मुझे अच्छी तरह याद है, सुल्ताने मौज़म ने हर्ज़ल को अच्छा सबक सिखाया और उसे अपने दरबार से निकाल दिया। निकल जाओ। तुम लोग कहते हो कि नील और फरात के दरमियान एक सिहोनी रियासत कायम की जाएगी। आज हम तुमसे कह रहे हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कायम नहीं हो पाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। चले जाओ। दफा हो जाओ घटिया इंसान। पाशा, क्या हर्ज़ल के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था? नहीं, ठीक नहीं हुआ। वो लोग हमेशा हमारे हर काम और सुल्ताने मौसम के हर मंसूबे में रोड़े अटकाते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिर से फलस्तीन का तनाजा खड़ा करने की कोशिश की। किसने? हर्ज़ल के साथी करा सुने। बाबा जान। हाँ बेटी। क्या कर रहे हैं आप? मैं सुल्तान की नजरों में एक गद्दार की तरह हूँ, लेकिन मैं उसे ऐसा पैगाम भेज रहा हूँ जिससे वो समझ जाएगा कि मैंने अभी हार नहीं मानी। सुल्ताने मौसम, ये खत किसने भेजा है? करो सुने। लिखा है कि मुझे पूरा यकीन है
एक दिन फलस्तीन में यहूदी हुकूमत कायम होकर रहेगी। माज़ल्ला, अल्लाह ऐसा वक्त न लाए। अफसोस, सद अफसोस, लेकिन इन लोगों का यह ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हम या हमारे बाद आने वाले ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। हमने खून बहाकर वो सरजमीन हासिल की है, किसी को काबिज नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने कभी फलस्तीन पर कब्जा कर भी लिया तो वो हमेशा एक इस्लामी सरजमीन रहेगी। चूंकि वहां मस्जिद अक्सा मौजूद है, इसलिए वो जगह इस्लाम का किला है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। वो जितनी चाहे कोशिश कर ले, जितने चाहे हमले कर ले, हम हमेशा अपनी मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत करेंगे। कयामत आने तक, जमीन और आसमान के एक होने तक हम अपनी जंग जारी रखेंगे। अल्लाह हमारी इस जिद्दोजहद का गवाह है, वो हमें जरूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुर्क फलस्तीन के मुहाफिज हैं। जब तक हम तुर्क जिंदा हैं, फलस्तीन में कोई भी गैर इस्लामी रियासत कायम नहीं हो सकती। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वो एक अजीम तरीन सुल्तान थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह इंसाफ पसंद। उनके जेरे हुकूमत इतनी बड़ी जमीन थी, मगर कोई एक शख्स भी भूखा ना रहे, उन्हें यही फिक्र रहती, समझे? कभी रियाया से ला ताल्लुक ना रहे वो, और जालिमों के लिए जाबिर, मजलूमों के लिए शफीक थे। पाशा, अब्दुल हमीद को लोग बुजदिल कहते हैं। बुजदिल होते तो क्या, ऐसे धमाके के बाद वो अकेले महल कैसे चले आते? सुल्तान मौसम, आप ठीक तो हैं? पाशा, यिल्दिज मस्जिद की सहन में बहुत से लोग जख्मी हैं। वहां फौरी तौर पर तबीबी इमदाद भिजवाइए। जी सुल्तान मौसम, सिपाहियों फौरी तौर पर तबीबों को खबर करो। जल्द अज जल्द हम सफीरों से मुलाकात करना चाहते हैं पाशा। सुल्तान मौसम, हम उन्हें सबक सिखा कर रहेंगे पाशा, और बताएंगे कि ये जान अल्लाह की अता की हुई है और उसके सिवा हमारी जान लेने पर कोई कादिर नहीं है। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सिपाही, ये सब कैसे हुआ? धमाके के बाद वहाँ मौजूद लोग खौफजदा हो गए थे। सुल्तान मौजम ने दिलेरी का मुजाहिरा करते हुए इंतिशार फैलने से रोका और बग्गी में सवार होकर यहाँ चले आए। या मेरे अल्लाह। पाशा, सुल्तान मौजम ने इस वाकये के बाद सफीरों से कोई मुलाकात की थी? हाँ बिल्कुल की, बिल्कुल की, क्योंकि वो धमाका उनकी जान पर किया जाने वाला हमला था। मगर सफीर साहिबान से मुलाकात एक रियासती फरीजा और जिम्मेदारी थी। बात जब रियासती फरीजे की हो तो सुल्तान मौसम कभी पीठ नहीं फेरते थे। सुल्ताना, बराए मेहरबानी पुरसकून रहिए। इमसाल खादमा, आप बस हमें किसी तरह सुल्तान मौसम के पास ले जाइए। खुदारा पुरसकून रहिए सुल्ताना, अपने बच्चे के बारे में सोचिए, बैठ जाइए सुल्ताना। सुल्तान मौसम को कुछ हो गया तो क्या होगा इमसाल खादमा? परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। सुल्तान मौसम, वो धमाके की आवाज़ सुनकर डर गयी, आपके लिए बहुत परेशान है। सुल्तान मौसम, मलिका। सुल्तान मौसम, खैरियत है मलिका? मलिका, आप ठीक तो है ना? सुल्तान मौसम, हम बहुत डर गए थे आपको कुछ हो जाता तो। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, हमारे बहुत से दुश्मन और गद्दार हैं, वो अपनी साजिशों से हमारी जान लेना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारी जान लेने की ताकत नहीं रखता, चाहे कितनी ही साजिशें करता फिरे, क्योंकि हम जानते कि हमारी जान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह आपको हयात खिज़र अता करे सुल्तान मौसम, आपको कभी हमसे दूर ना करे। आपको कुछ हो जाता तो हम भी जिंदा ना रह पाते। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम जिंदा नहीं रह पाते, हमारा खानदान जिंदा नहीं रहता, हमारे बच्चे भी नहीं रह पाते। अब आप आराम कीजिए, हमें कुछ अहम काम है, हम आपसे मिलने आएंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है या मेरे रब। तो फिर तहकीकात किसने की? नजीब मलहमी पाशा ने। सुल्तान मौज़म से मैंने कहा कि वाकई की तहकीकात मैं खुद करूंगा, लेकिन वो चाहते थे कि सफीरों के साथ उनकी मुलाकात में मैं उनके साथ रहूं। ऐसा क्यों हुआ पाशा? मुझे तारीख का गवाह बनाने के लिए। ये तारीख का अब तक सबसे बड़ा धमाका था सफीर हजरात, मैंने पहले कभी ना तो ऐसा देखा और ना ही सुना। मुझे लगता है
कि सुल्ताने मौजम का इंतकाल हो गया। वो जिंदा है, अभी आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे। सुल्तान वादे के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर हमसे मुलाकात के लिए यहाँ आएंगे। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है और हमसे मुलाकात के लिए यहाँ पर आएंगे? क्योंकि मैंने उन्हें खुद देखा है। धमाके के बाद जब लोग भाग रहे थे तो वो अपने घोड़े की लगाम थामे हुए थे और आसपास के लोगों को तसल्ली दे रहे थे। क्या वाकई आपको यकीन है? जी बिल्कुल। उन्हें देखकर मुझे अपने भागने पर शर्मिंदगी हुई, फिर मैं अचानक रुक गया और सुल्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। होशियार, सुल्तान अब हमेशा तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेहयाब रहे। सुल्तान मोज़म, इस सानेहा का अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया, हमने धमाके के बाद आपको देखा था, आप सुल्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। मैं खुद को ये कहने से रोक नहीं सका, सुल्तान मोज़म, जिंदाबाद। शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जिंदगी के अभी कुछ अयाम बाकी हैं। हमारे खिलाफ ये घिनौना मंसूबा बनाने वाले ये नहीं जानते कि अल्लाह की अता करदा जान को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी नहीं ले सकता। धमाके से पहले हम शेखुल इस्लाम साहब से एक मसले के बारे में तबादला ख्याल करने में मसरूफ थे, जिसमें काफी वक्त लग गया। अगर वो गुफ्तगू ना होती और हर जुमे की तरह हम बग्गी में बैठते तो यहां ना होते। अल्लाह की कुदरत है। इस तरह के कत्ल का मंसूबा आखिर कौन बना सकता है सुल्तान मौज़म? इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इशारे आर्मीनी तंजीम की तरफ जा रहे हैं। ये गद्दार हमारे वफादार आर्मीनी अवाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक अरसे से हमारे दरमियान इंतजार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तनहा कुछ नहीं कर सकते। कोई जरूर उनकी मदद कर रहा है। मसलन, धमाके में इस्तेमाल की गई वो बग्गी ऑस्ट्रिया में तैयार की गई थी। सुल्तान मौज़म, माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारी रियासत का इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है। हमारे आपके शहनशाह और रियासत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। आपका इस मामले में मुलव्वस होने का वैसे भी कोई इम्कान नहीं है। अहम बात यह है कि उस बम का मवाद आखिर कहां से हासिल किया गया था। कहां से हासिल किया गया सुल्तान मौज़म? क्या आपको इस बारे में मालूम हुआ? उसे फ्रांस से हासिल किया गया था, फ्रांसीसी रियासत की सरहदों के अंदर से। तहकीकात यकीनन कुछ वक्त में मुकम्मल होंगी, तब सब कुछ आश्कार हो जाएगा और इसमें मुलव्वस नाम सामने आ जाएंगे। लेकिन तारीख में यह रकम किया जाएगा कि पहली बार टाइम बम के जरिए न सिर्फ हमें बल्कि हमारी रियासत उस्मानिया को भी निशाना बनाया गया। साथ ही तारीख में यह भी रकम किया जाएगा कि अल्लाह और उसकी लिखी तकदीर पर बिला शुबा ईमान रखने वाली निडर और बेखौफ तुर्क कौम को दुनिया की सात ताकतें मिलकर भी तबाह नहीं कर पाई। ये कत्ले आम उन लोगों का मंसूबा है जो हमारे दादा या वो सुल्तान के लाए हुए खिलाफत के झंडे तले कभी खड़े नहीं हो सकते। ये कत्ल उन लोगों का मंसूबा है जो मजलूम की दादरसी करने वालों का नाम दुनिया से मिटाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि चाहे वो जितनी भी चालें चलें, बम धमाके करते रहें, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा है, वही हर चीज पर गालिब है। एक बुजदिल सुल्तान उस दिन अपने महल के अंदर छुप जाता, लेकिन वो नहीं छुपे बल्कि पूरी शान और शौकत के साथ बिला ताखिर सफीरों से मुलाकात की और अपनी कौम का दिफा किया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की पनाह ली, एक बार फिर पूरी शान के साथ अल्लाह की दी हुई ताकत का मुजाहरा किया। वो अपनी कौम की खुशबख्ती के लिए एक अलामत थे। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? मुझे फख्र है कि हमारी शानदार तारीख में ऐसी शख्सियत मौजूद है पाशा। मैं खुशी से रो रहा हूँ और दुख से भी कि मैं उस अजीम हुकुमरान सुल्तान अब्दुल हमीद का शानदार दौर नहीं देख सका। ये खुशी और गम के मिले जुले जज्बात हैं। आप अपनी बात जारी रखिए पाशा, मेरी तरफ मत देखिए। उसके बाद क्या हुआ था पाशा? क्या गद्दार पकड़े गए कि उन्हें सजाए मौत हुई? बेटा, हमारे सुल्तान बहुत बाकमाल थे। वो किसी को भी सजाए मौत नहीं सुनाते थे, बल्कि अपनी हिकमत से उसका रास्ता बदल देते।
यहां तक कि कैदी भी हमारे मफाद के लिए काम करने लगते हैं। ये वही शख्स है जो बग्गी को मस्जिद तक लेकर आया था सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा जोरिस से तफ्तीश कर रहे हैं, आप भी उनके पास जाइए। क्या आप इससे अकेले तफ्तीश करेंगे? बिल्कुल, बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे सवालात के जवाब देने होंगे। क्या बग्गी मस्जिद के सामने तुम लाए थे? क्या तुम जानते थे कि उसके नीचे बम नस्ब है? मुझे माफ कर दीजिए, बख्श दे मुझे। तुम जानते हो कि जवाब देकर ही तुम्हें माफी मिल सकती है, तो क्या तुम जानते थे कि वो बम सुल्तान को कत्ल करने के लिए वहां नस्ब किया गया है? क्या तुमने अंदाजा लगाया था उस बम की वजह से 26 अफराद की जान चली जाएगी, 55 अफराद भी जख्मी हो जाएंगे और 22 जानवर भी अपनी जान गंवा बैठेंगे? यकीनन तुम्हें इसका अंदाजा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? हमने तहकीकात की है, जब तुम्हारी वालिदा काफी बीमार थी, रियासत ने उनकी अच्छी तरह देखभाल की, जब तुम माली परेशानी में मुब्तला थे, तो तुमने अपने भाई को मकतब से हटाकर मेहनत मजदूरी पर लगा दिया था। जब हमारे अफसरान को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने तुम्हारे भाई को दोबारा मकतब भेजा। यही नहीं बल्कि साथ ही तुम्हारी माली मदद भी की। तुम्हारे लिए जिस रियासत ने इतना कुछ किया, तुम उसके साथ और अपने सुल्तान के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो? तुम दुश्मन के जाल में क्यों फंस गए? क्या अपने नफ्स के हाथों शिकस्त खाना इतना आसान है? बोलो, क्या अपनी बसीरत को तुम्हारे लिए खो देना इतना ही आसान है? दरवाजा खोले बेटे। क्या जोरिस से तफ्तीश कर लिया आपने? जी सुल्तान मौसम, उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। सुल्तान मौसम, उसके रवाबित बिल्कुल ऐसे निकले जैसे नजीब पाशा ने तहकीक की थी। उसके बाद मैंने उसे जासूस की हैसियत से हमारे लिए काम करने की पेशकश की सुल्तान मौसम। फिर उसने क्या कहा, कबूल किया? जी हाँ सुल्तान मौसम। तो फिर उसे वो तमाम बातें बताइए जो हमने आपको पहले बताई थी। वो वहाँ जाकर मालूमात इकट्ठा करे और हमें मुत्तला करे। लेकिन सुल्तान मौसम, अगर हम उसे रिहा करते हैं तो वो कहेंगे कि सुल्तान डर गए और उसे छोड़ने पर मजबूर हो गए। अगर हम उसे नहीं छोड़ते तो क्या वो हमें कोई चीज पेश करेंगे पाशा? वैसे भी यही कुछ कहेंगे, और वैसे भी हमें खुद पर इत्मीनान है, पर हम जोरिस को रियासत के मफाद के लिए रिहा कर रहे हैं। बताइए, क्या ये बड़ी बात नहीं कि जो आदमी हमारा कत्ल करने आया था, अब वो हमारे लिए काम करेगा, हमारा जासूस होगा वो? यानी उसके बाद जोरिस ने रियासत के लिए काम किया है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुल्तान मौसम को कई आम मालूमात फराहम की। सुल्तान मौसम ऐसे कई लोगों को राय रास्त पर लेकर आए। इसका मतलब है कि आपने अपनी किताब मुकम्मल कर ली है? जी तहसीन पाशा, उसे सुल्तान मौसम की खिदमत में पेश करने के लिए बहुत बेताब हूँ। सुल्तान मौसम और सुल्ताना नन्हे शहजादे के साथ आपके मुंतजर है मेरी साहिबा। मुझे शहजादे की विलादत का इल्म नहीं था। आइए मेरी साहिबा। खुशामदीद। खुशामदीद सुल्ताने मौसम। सालेहा सुल्तान, हम आपके ही मुंतजिर थे। कितने प्यारे हैं शहजादे, क्या नाम रखा आपने इनका? आबिद। मेरी दुआ है कि शहजादे खूब परवान चढ़ें। शुक्रिया, आपकी जबान मुबारक हो। आइए तशरीफ रखिए। आइए मेरी साहिबा।
अपनी नई किताब लेकर आई हूँ आपके लिए। क्या वाकई? ये हाल ही में मुकम्मल हुई है। बहुत मुबारक हो, हम इसे जल्द पढ़ेंगे। सुल्ताने मौसम, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक वक्त था जब मैं आपके बारे में मनफी तहरीरें लिखा करती थी, मगर ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, जिसकी वजह से मुझे हकीकत को करीब से देखने का मौका मिल सका। मगर अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हकीकत को जानते बूझते भी तस्लीम करने से इनकारी हैं। आप सिर्फ एक अच्छी सहाफी नहीं बल्कि एक अच्छा दिल रखने वाली इंसान भी हैं। उन नादिर लोगों में से हैं जिन्होंने हमें अपनी बसीरत से समझा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जाहरी आंख से महज चेहरे की खूबसूरती देखी जा सकती है और दिल की आंख से बातिनी खूबसूरती देखी जाती है, और दिल से देखने वाला कभी धोखा नहीं खाता। दुश्मन भी सुल्तान मौसम के मुतरिफ थे, बल्कि अक्सर लोग जो एक जमाने में उनके दुश्मन रहे, वही लोग वक्त आने पर उनके वफादार साथियों में शुमार हो गए। पाशा, ये इलाका तो काफी वीरान सा है, आपको किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो जाना चाहिए। ये जगह भी महफूज है बेटा, हमारी रियासत का हर खित्ता पूरी तरह से महफूज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सल्तनत उस्मानिया के दौर में था। मुझे एक बात याद आ गई अभी, क्या तुमने हमीदिया दस्ते के बारे में सुना है? जी मैंने सुन रखा है। वो दस्ता हमारी हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। पाशा हजरत, आप जानते हैं कि हमीदिया दस्ता मशरकी इलाके में सरहद की हिफाजत के लिए अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहा है। उनके फराइज में इलाके की हिफाजत के अलावा अवाम की बहबूद का ख्याल रखना और किसी भी किस्म की बगावत को रोकना भी शामिल है। अल्लाह का शुक्र है, आवाम खुद भी इस हवाले से काफी मुतमईन है। महल आने वाले खतूत में लोगों ने हमीदिया दस्ते के हवाले से इजहार तशक्कुर किया है। आवाम का हमारे फैसलों पर हम ख्याल होना बहुत अहम है, लेकिन हमारा ख्याल है कि हमीदिया दस्ते के सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर देना चाहिए ताकि उनके काम में आसानी पैदा हो। मगर इस बात की क्या जरूरत है सुल्तान मौसम? हम चाहे जितने भी मोहतात हो जाएं, दुश्मन मजीद चालें चलना शुरू कर देता है पाशा, इसीलिए हमें फौजी दस्तों में सिपाही बढ़ा देने चाहिए। समझ गए सुल्तान मौसम, आप किस इलाके के बारे में फिक्रमंद हैं? त्राबलुस, क्योंकि दुश्मन की नजर अब त्राबलुस पर है। पहले हम अर्ज रूम, मान, बितलिस, सिवास और दियारे बाकिर में सिपाही तैनात कर चुके हैं, अब त्राबलुस में भी हमें यही कुछ करना होगा। वजीर दिफा रजा पाशा, यहाँ हमीदिया दस्ते के उन खानदानों के नाम दर्ज हैं जिनके सिपाहियों को त्राबलुस में तैनात किया जाएगा। इन खानदानों से राब्ता कीजिए और जल्द अज जल्द फौजियों को त्राबलुस भेजिए। जो हुक्म सुल्ताने मौसम। पाशा, क्या त्राबलुस में सिपाही भेज दिए गए थे? बिल्कुल भेजे थे, बिल्कुल। हमीदिया दस्ते के नाम पर 65 सिपाहियों का दस्ता त्राबलुस रवाना किया गया था। लिख लो। लोग कहते थे कि वो महल में बेफिक्री और सुकून की जिंदगी गुजारने वाले सुल्तान हैं, जबकि उनका हर लम्हा आवाम के फलाह बहबूद में गुजरता था। वो दुश्मन की चालों का पहले से अंदाजा लगा के उसका दिफा तैयार कर लेते थे। दुश्मन उन्हें कंजूस सुल्तान कहते थे, जैसे लोग उनकी बातों पर यकीन कर ही लेंगे। वो हमेशा असराफ से बचने की कोशिश करते। जब भी उन्हें किसी की जरूरियात का इल्म होता, वह फौरन मदद को निकल पड़ते। उन्होंने अपनी कमाई का निस्फ से ज्यादा हिस्सा अवाम की मदद और खिदमत में सर्व कर दिया। क्या कोई ऐसा शख्स कंजूस हो सकता है? सुल्तान मौसम, आपने जो कुछ मंगवाया था वो मैं ले आया हूं, लीजिए यह है बकाया रकम। रख लीजिए, अगली मर्तबा सामान लेते वक्त इस्तेमाल कर लेंगे। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। अब ये मुस्तहक लोगों तक पहुंचा देते हैं। जी जरूर, मैं ये उठा लेता हूँ। कोई बात नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके घर में सब खैरियत है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम आपकी सेहत के हवाले से फिक्रमंद थे, खैरियत दरियाफ्त करने चले आए। उम्मीद है कि मुखल नहीं हुए होंगे, हमारी तरफ से ये कबूल कीजिए, हमें खुशी होगी। अल्लाह आपसे राजी हो, आप हमेशा मेरा ख्याल करते हैं, लेकिन कम अज कम आज मुझे अपना नाम ही बता दें ताकि मुझे इल्म हो मेरा मोहसिन कौन है। नाम जानना अहम नहीं, आप बस अपना ख्याल रखिए, आराम कीजिए, हम आपका हाल पूछने आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुल्तान मौसम, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। आप हमेशा मुझसे अपनी शनाख्त छुपाते रहे, मगर मैं जान गई हूं, मैंने आपको एक दिन अपने ख्वाब में देखा था। अगला दिन जुम्मा था और फिर उसी दिन मैं यिल्दिज़ मस्जिद गई थी नमाज पढ़ने के लिए। वहां जाकर मुझे मालूम हुआ कि मेरे ख्वाब में आने वाला शख्स और मेरी मदद करने वाला एक ही शख्स है, और फिर मुझे ख्याल आया कि हम कितने खुशकिस्मत हैं जिसे अल्लाह ने आप जैसा हुक्मरान अता किया। आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। मैं अक्सर खुद से सवाल करती हूँ कि मैंने ऐसा क्या नेक काम किया है जिसका सिला मुझे हर माह मिलता है। पूरी रियासत का सुल्तान खुद चल के मेरे घर आए और मुझे माल हिबा करे, मुझे अपना नाम अपनी शनाख्त तक ना बताए। आजिज़ी और इनकिसारी की जिंदा मिसाल हैं आप। अल्लाह सेहत के साथ आपको लंबी जिंदगी अता करे। आमीन। आपको हमसे और हमें आपसे कभी दूर ना करे सुल्तान मौसम। बहुत शुक्रिया। ये वाकया उन लोगों को शर्म दिलाने के लिए काफी है जो समझते थे कि सुल्तान तो महल में बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं। देखो, ये तो बस एक मिसाल है। सुल्तान मौसम तो उन गलियों और रास्तों से भी वाकिफ थे जहां मैं कभी नहीं गया। तो क्या वो हमेशा अपनी जाती रकम से लोगों की मदद करते थे? हाँ बिल्कुल, अपनी जाती रकम से लोगों की मदद करते और कभी भी अपना नाम जाहिर नहीं होने देते। सुनो, एक मर्तबा एक अहलकार की बीवी उम्मीद से थी। वो अहलकार किसी दूर इलाके में तायनात था और उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसकी समझ में कुछ ना आया, आसपास कोई रिश्तेदार भी ना था। फिर उसे सुल्तान मौसम का ख्याल आया। उसने महल में टेलीग्राम भेजा, लिखा मेरे बच्चे की विलादत करीब है, तबीबा की जरूरत है। सुल्तान मौसम ने फौरन महल से तबीबा को भेजा। वो इस सरजमीन पर शहजादों को भी अपना जैसा देखना चाहते थे। चलिए आप भी इनको दाना डालिए शहजादे आबिद। ये लो, सब खा लो। आपने तो सारा दाना डाल दिया, कल क्या देंगे हम इन्हें? अगर हम कल यहाँ नहीं हुए तो फिर ये क्या खाएंगे बाबा? हम चले गए तो कहीं ये भूखे ना रह जाए। हम सारा दाना यहाँ डाल देते हैं, भूख लगेगी तो खा लेंगे। बेटे अगर हम यहाँ ना भी हुए तो कोई ना कोई इनको दाना डाल देगा। इन्हें कौन दाना डालेगा? ये भूख से मर गए तो? नहीं बेटे, क्या आप जानते हैं कि हजरत उमर ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? हजरत उमर ने फरमाया कि ऊंची जगह पर दाना डालो ताकि मुसलमान मुल्क में परिंदे भूख से ना मरे। इसलिए मुसलमान मुल्क में परिंदे कभी भूख से नहीं मरते। आप परेशान ना हो, कोई ना कोई उनका ख्याल जरूर रखता है। आप आज ये दाना इनको खिला दें। जाएं, करीब जाकर इनको खिलाएं। जाएं, शाबाश।
क्योंकि वो सिर्फ अनातोलिया या इस्तांबुल के नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के सुल्तान थे। मैक्सिको से जापान तक जहां भी मुसलमान आबाद थे वो सब के खलीफा थे। जब हमने सुना कि जापान का बादशाह वक्त मिकाडो हर रियासत में अपना सफीर भेज रहा है और वो अगर उन रियासतों में कोई ख़ास चीज़ देखे तो वो उसकी तकलीद करे ताकि उसे अपनी रियासत में राइज किया जाए। जब सुल्तान मौसम ने यह सुना, चूंकि जापान में काफ़ी मुसलमान आबाद थे इसलिए सफीर के हमारी रियासत में आने से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बिलाखिर उन्होंने वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। सुल्तान मौसम कहिए पाशा, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मौसम, जापानी सफीर को वो कश्तियां पसंद आईं जो आपने उनके लिए तैयार की थीं। वो कश्तियां उन्होंने अपने शहंशाह को पेश की हैं। सुल्तान मौसम, उन्होंने एक नुमाइश का एहतमाम किया है जिसमें हमारी कश्तियों को मरकजी सब में रखा गया है। जापान में हमारे इंजीनियरों की तैयार करदा कश्तियां बड़े पैमाने पर तैयार और इस्तेमाल की जाएंगी। आफरीन पाशा, हमारा मकसद जापान से तिजारत के जरिए मुनाफा कमाना हरगिज नहीं है। हमारे वहाँ बहुत मुसलमान भाई हैं। हमें तिजारती और सकाफती दोनों लिहाज से जापानी रियासत के करीब होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम वहाँ अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज बुलंद कर सकें। अल्लाह ना करे अगर कोई भी बात उनके सुकून में खलल डालती है तो हमें बिला ताखिर उसे रोकने के काबिल होना चाहिए। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि उनका खलीफा उनके साथ हर वक्त मौजूद है। आपने बहुत अच्छा सोचा सुल्तान मौसम। जापान अभी बाकी दुनिया से राब्ता कायम कर रहा है, हमें भी उनके साथ वैसे ही मरासिम कायम रखने चाहिए जैसे दूसरी रियासतों के साथ हैं। दुरुस्त फरमाया सुल्तान मौसम, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने कैसे अंदाजा लगाया कि एक कश्ती उनकी तवज्जो का मरकज बन सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान एक जजीरा है, दरहकीकत वो बहरी जहाजों और कश्तियों में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन वो अपनी रियासत में तैयार किए गए जहाज और कश्तियां इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसी जदीद तर्ज की कश्ती जो उनके मयार पर पूरी उतरती हो उन्हें पसंद आएगी। वो हमेशा की तरह इस बार भी दुरुस्त थे। कोई कह सकता है कि ये एक मामूली कश्ती ही तो थी लेकिन उन्होंने बहुत सी जगहों पर इस तरह की छोटी छोटी चीजों से हुक्मरानी जारी रखी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन पाशा। मरहूम सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारी, आपने यही लिखा है पाशा। ऐसा ही था। वो दिन नहीं भूल सकता जब शबे कद्र थी, सुबह होने तक मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा गया, जिक्र किया गया, तस्बीहात पढ़ी गईं। हम ये हमेशा किया करते थे लेकिन उस रात कुछ मुख्तलिफ हुआ था। क्या मुख्तलिफ था उस रात पाशा? हाँ, मैक्सिको से लेकर अजय तक यूरोप के हर हिस्से तक तबलीग दीन की इजाजत के साथ बहुत सारे दरवेश रवाना किए गए। वो इस्लाम के खलीफा और तुर्कों की कुव्वत थे। जिस तरह रियासत के पास जंग के लिए सिपाहियों का लश्कर है वैसे ही तबलीग दीन के लिए भी है। आप सब दीन का लश्कर हैं, दीन के सिपाही हैं। शबे कदर इख्तिताम को पहुंचने वाली है। अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। आप कुछ देर में रवाना हो जाएंगे। आप में से कुछ अचे जाएंगे और कुछ हिंदुस्तान, कुछ जावा जाएंगे और कुछ दुनिया के दूसरे सिरे मैक्सिको जाएंगे। कुछ लोग इस्लामी तालीमात पहुंचाने यूरोप के दूर दराज इलाकों में भी जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और मददगार हो। आमीन आमीन। आप जिन ममालिक में भी जाएं वहां अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना आपका फरीजा है। अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को फहमो फरासत से उबूर कीजिएगा। जब आप हमारी किताब और हमारे नबी की सुन्नत का प्रचार करेंगे तो यकीनन कुछ लोग आपको तकलीफ देना चाहेंगे लेकिन याद रखिएगा 313 ने कसीर कुफार को शिकस्त दी थी। एक लम्हे के लिए भी ये मत भूलिएगा कि हमारा रब हर वक्त हमारी हिफाजत करता है। आपका रास्ता आसान हो। आमीन आमीन। आप जहां भी जाएं वहां से हमें खबर करना मत भूलिएगा।
अगर वहाँ रहने वाले हमारे मुसलमान भाइयों को किसी किस्म की हाजत हो तो हमें जरूर आगाह कीजिएगा, हम जल्द अज जल्द उनकी दादरसी करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। माशाल्लाह इस्माइल हक्की साहब, आइए इस मुबारक रात का इख्तिताम यूनुस एमरे की मुनाजात से करते हैं। जी सुल्तान मौसम। हम अपने बच्चों को उस जिक्र के साए में रुखसत करेंगे। عجب لطفون سهرند الله عجب لطفون سهرند سهر وقتند ذكر الله الله Bahar vaktinde zikrullah. Kya Sultan Abdul Hamid Khan rahmatullah alayh marhum khilafat ka haq ada karne wale khalifa the? Kya soch rahe hain Pasha? Unki khilafat ka haq ada karne ke hawale se ek mamla yaad aaya. Kya tha wo mamla Pasha? ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے اٹلی میں ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا گیا۔ اس ڈرامے کی وجہ سے سلطان معظم نے سفیر کو اپنے حضور طلب کیا اور اس ڈرامے کا اشتہار ایک زناٹے دار تھپڑ کی طرح اس کے منہ پر مار دیا۔ سلطان معظم، اطالوی سفیر آئے ہیں۔ بلائیے۔ جی بہتر سلطان موسم، دروازہ کھولیے۔ سفیر صاحب آ جائیے۔ آئیے۔ سلطان موسم، جب میں نے سنا کہ کوئی اہم معاملہ ہے تو میں یہاں فوری آ گیا، کیا حکم ہے آپ کا؟ گستاخی کو فوراً روکیے سفیر صاحب۔ معاف کیجئے گا سلطان معظم، میں سمجھا نہیں۔ تھیٹر؟ سفیر صاحب، اطالویوں کے لیے تھیٹر کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے تھیٹر بہت اہم ہے سلطان معظم۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے محل میں ایک تھیٹر ہال موجود ہے۔ ایک مشرقی بادشاہ کے محل میں نجی تھیٹر کا ہونا یقیناً آپ کو عجیب لگ سکتا ہے۔ آپ جدت پسند سوچ کے مالک ہیں سلطان معظم۔ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمارے بارے میں کیسی رائے رکھتا ہے اور کیسی نہیں۔ تھیٹر کے حوالے سے ہمیں پرواہ ہے تو ایک چیز کی، ڈرامے میں کوئی چیز اخلاقیات، تقدس اور عقائد کے منافی ہرگز پیش نہ کی جائے۔ سلطان معظم، ہم بھی ان معاملات میں آپ کی سیاست اور فنون لطیفہ کے لیے آپ کی قدردانی کے معترف ہیں۔ اگر کسی تھیٹر میں لوگوں کی نجی زندگی، رازداری، عقائد اور مذہب کی توہین کی جاتی ہے اور ان اقدار پر گستاخانہ انداز میں طنز کیا جاتا ہے، ہماری نظر میں ایسے تھیٹر کو تباہ ہو جانا چاہیے۔ ہم بھی بالکل آپ کی طرح ہی سوچتے ہیں سلطان معظم۔ آپ ایسا سوچتے نہیں ہیں سفیر صاحب، یہ آپ کے لیے تفریح ہے، اس گستاخی کو فوراً بند کیا جائے۔ سلطان معظم، سفیر صاحب وہیں کھڑے رہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا یہ ڈرامہ اٹلی یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہرگز پیش نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم اس ملک کو تباہ کر دیں گے۔ فوری طور پر اپنی حکومت کو اس کی اطلاع کریں، ایک گھنٹے کے مہلت ہے آپ کے پاس۔ سلطان معظم، ہم کچھ نہیں سنیں گے سفیر صاحب۔ اگر آپ نے اسی طرح اپنی حد پار کرنا جاری رکھا تو ہم پوری طاقت کے ساتھ اپنی بندوقیں، ساری توپیں، تیر اور نیزے پھالے، جو کچھ ہمارے پاس ہے لے کر اٹلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ہم دین اسلام کے خلیفہ سلطان عبدالحمید خان ہیں، مر جائیں گے لیکن نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہونے دیں گے۔ معاف کیجئے گا۔ نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ جب سلطان معظم اپنا اسا زمین پر مارتے تھے تو دشمن دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو کانپ جاتے تھے،
माज़ अल्लाह अगर दुश्मन चनक किला पार कर भी ले तो भी वो हमारे जज्दे खाकी को रौंद कर इस्तंबुल में दाखिल हो पाएगा। ना तो हम फरार होंगे ना ही हथियार डालेंगे। अल्लाह।